मित्रों, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग 11 जुलाई का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें पीएम मोदी द्वारा कौन सी एशिया की सबसे बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? पीएम मोदी द्वारा कौन सी एशिया की सबसे बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना रीवा सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रीवा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है और इसके पॉइंट से पहला 750 मेगावाट का अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट 1590 एकड़ में फैला है। दूसरा, इसमें 1500 हेक्टेयर सौर संयंत्र के अंदर 500 हेक्टेयर भूमि पर स्थित 250 मेगावाट की तीन सौर उत्पादक इकाइयां शामिल है। 1500 हेक्टेयर में सौर संयंत्र के अंदर 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट की तीन सौर उत्पादक इकाइयां इसमें शामिल है। और तीसरा पॉइंट है, यह प्रति वर्ष 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन को कम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड से जो पोल्यूशन होता है, 15 लाख टन प्रति वर्ष, उसे ये घटाता है, कम करेगा। और मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, राजधानी इसकी भोपाल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और आपका दूसरा, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो यह पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड EESL ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन और संबंधित बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के साथ एक समझौता साइन किया है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड दोनों के बीच समझौता हुआ है, नोएडा में जो है, न्यू ओखला उसके साथ। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट अपन नोएडा चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए जगह के प्राविधान के लिए जिम्मेदार है, जबकि EESL नोएडा सिटी में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की तैनाती के लिए है। और EESL नोएडा जो कंपनी, वो सिटी में सार्वजनिक चार्जिंग को तैनात करेगी और नोएडा में हर जगह चार्जिंग बुनियाद को नोएडा की वहाँ जो है वो कंपनी न्यू ओखला जो है वो वहाँ तैनात करेगी। और अबाउट इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड EESL के बारे में जान लेते हैं, यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU का एक संयुक्त उद्यम है। संयुक्त उद्यम है ये, पब्लिक सेक्टर का जॉइंट वेंचर। और यह इसके चेयरमैन राजीव शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर MD सौरभ कुमार, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अबाउट न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा जिसका है फॉर्म, उसके बारे में देख लेते हैं, उसके चेयरमैन आलोक टंडन है और हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना ने कितने देशों से किस अभियान के तहत भारतीयों को विदेशों से भारत लाया गया है? भारतीय नौसेना द्वारा कितने देशों से किस अभियान के तहत भारतीयों को विदेशों से वापस लाया गया है? पहला पॉइंट है इसमें आंसर में, 5 मई को भारतीय नौसेना ने अपने 55 दिनों और 23,000 किलोमीटर लंबे ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु को सफलतापूर्वक कर लिया गया है, जो 5 मई 2020 को भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास में एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। 5 मई को COVID-19 महामारी के दौरान मालदीव, ईरान और श्रीलंका के 3 देश में फंस गए थे भारतीय, उन्हें लाने के लिए इस ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था। आइए, इसमें 2 INS जहाज थे, INS जलस्व L-41, 1,000 से अधिक लोगों को ले जाने में यह सक्षम है
और दूसरा INS मगर, INS मगर लगभग 500 सैनिकों को ले जाने में यह सक्षम है। और अबाउट इंडियन नेवी देख लेते हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ CNS जो है एडमिरल करमबीर सिंह, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी न्यू दिल्ली में है। और चौथा आपका है टी हब ने हार्डवेयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT स्टार्टअप के लिए किसके साथ साझेदारी की है। टी हब ने हार्डवेयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT स्टार्टअप के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर 10 जुलाई 2020 को टी हब ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MTY और डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की थी, ताकि हार्डवेयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT स्टार्टअप के लिए डिजिटल इंडिया के पैमाने पर कार्यक्रम को नेतृत्व किया जा सके और समर्थन किया जा सके। निवेश और बाजार पहुंच के साथ स्टार्टअप यह लॉन्च किया गया, इसका घोषणा की गई थी। अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY के बारे में देख लेते, कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट संजय धोत्रे जी। और अबाउट टी हब के बारे में देख लेते, CEO रवि नारायण है और हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में। पांचवा क्वेश्चन है आपका WMO द्वारा औसत वैश्विक तापमान 5 वर्षों में कितनी डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा औसत वैश्विक तापमान एवरेज एनुअल मीन ग्लोबल टेम्परेचर मीन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर कितना 5 वर्षों में बढ़ सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। तो यह संयुक्त राष्ट्र UN की मौसम एजेंसी UMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2020-24 के लिए वैश्विक वार्षिक जलवायु विकिरण अद्यतन में अनुमान लगाया है कि वार्षिक औसत वैश्विक तापमान पूर्व से कम 1 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना 1 डिग्री सेल्सियस या बढ़ जाएगा 2020-24 तक। आने वाले 5 वर्षों में 2020-24 में प्रत्येक में औद्योगिक स्तर 1850, 1819 और 20% संभावना है कि यह कम से कम एक वर्ष में 1.5 डिग्री सेल्सियस 2.57 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाएगा। कुल मिलाकर यह 0.91 से 1.51 डिग्री सेल्सियस के भीतर होने की इसकी संभावना है, बढ़ सकता है। अबाउट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के बारे में हम देख लेते हैं, सेक्रेटरी जनरल SG जो हैं पेट्री टेलस हैं और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर्स इसके 187 मेंबर स्टेट हैं और 6 मेंबर टेरिटरीज हैं। और छठा आपका क्वेश्चन है, किस संस्था ने वैश्विक COVID-19 प्रतिक्रिया के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र पैनल का गठन किया है। किस संस्था ने, कौन सी ऐसी संस्था है जिसने वैश्विक COVID-19 प्रतिक्रिया के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र पैनल का गठन किया है। तो यहाँ पे आपका 9 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने COVID-19 महामारी के लिए दुनिया की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए ऑल ओवर कितना नुकसान हुआ इसका मूल्यांकन करने के लिए महामारी तैयारी और प्रतिक्रिया IPPR के लिए एक स्वतंत्र पैनल तैयार किया है। पैनल की अध्यक्षता न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सिरलेप द्वारा की जाएगी। पैनल की अध्यक्षता दो जन करेंगे, न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सिरलेप द्वारा की जाएगी। और हेलेन हाइलेन क्लार्क संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के एक प्रशासक के रूप में सेवा करते हैं और दूसरी ओर एलन सिरलेप जो हैं 2011 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अबाउट WHO देख लेते हैं, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल टेड्रस एधनमन है, एधनमन गिबरियस है और चीफ साइंटिस्ट इसके सौम्या स्वामीनाथन है।
और सातवां आपका प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता परियोजना के लिए किस संस्था ने इसमें कितने रुपए खर्च किए हैं? कौन सी ऐसी संस्था है जो इसमें प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता परियोजना के तहत पैसे दे रही है? कितने पैसे दे रही है? एडीबी और कतर स्थित ईएए फाउंडेशन 100 मिलियन डॉलर मूल्य की गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा परियोजना के लिए संयुक्त रूप से काम करने के लिए यह दे रही है। एशियाई विकास बैंक एडीबी प्राथमिक स्तर पर आउट ऑफ स्कूल और जोखिम वाले बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत और 9 अन्य एशियाई देशों की मदद करेगा। अपने प्रारंभिक प्रयास में एडीबी ने शरणार्थियों सहित कम से कम 3.2 लाख स्कूली बच्चों को रखने के लिए 100 मिलियन की परियोजना के लिए संयुक्त रूप से काम करने के लिए कतर स्थित शिक्षा उपरोक्त सभी ईडब्ल्यूए फाउंडेशन के साथ 5 साल का समझौता किया गया है। आंतरिक रूप से विस्थापित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देना इसका लक्ष्य है। अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। एडीबी के बारे में, हेडक्वार्टर इसका मैंडालयोंग फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट मसत्सुगु असाकावा है। और मेंबरशिप में 68 कंट्रीज हैं। और अबाउट एडुकेशन अबव ऑल ईडब्ल्यू के बारे में देख लेते हैं। फाउंडेशन के बारे में, लोकेशन इसका दोहा कतर में है। चेयरपर्सन शेखा मूजा बिंट नाजीर हैं। और 8वां क्वेश्चन है, भारत में SME को समर्थन देने के लिए कितने रुपए का निवेश किया गया है? किसके द्वारा? मास्टर कार्ड ने घोषणा की है कि वह भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों SME को समर्थन देने के लिए 250 करोड़ रुपए का USD में 33 मिलियन का निवेश करेगी। भारत में मास्टर कार्ड कंपनी जो है MSME को अपने आप को पुनः आरंभ करने और व्यापार वसूली में मदद करने में सक्षम करे। MSME को अपने व्यापार में नुकसान जो हुआ है उसके कारण वसूली के लिए यह कदम उठाया गया है और पुनः उसे व्यवस्था में लाने के लिए ऐसा किया गया है। कैश इकोनॉमी पर निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला के विघटन के कारण, COVID-19 के कारण हुए लॉकडाउन के कारण MSME को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसलिए ऐसा किया गया है कि उनकी अर्थव्यवस्था फिर से ठीक हो जाए। अबाउट मास्टर कार्ड, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट US में है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO अजय बांगा मिशेल मियाबेच विल टेक ओवर एज CEO इन जनवरी 2021। 2021 को ये मिशेल मियाबेच बन गई थी, 2021 में बन जाएंगी। और क्वेश्चन 9 आपका, भारतीय बटालियन ने किस वार्षिक पुरस्कार को जीता है? भारतीय बटालियन ने एनुअल प्राइज, कौन सा एनुअल प्राइज को जीता है? तो यहाँ देख लेते हैं, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल मिशन के प्रमुख और बल कमांडर मेजर जनरल स्टेफानो डेल कर्नल ने सात मिशन संस्थाओं को यूनिफिल के वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। लेबनान में जो हुआ था, 7 मिशन संस्थाओं में वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त किया है भारतीय बटालियन ने। और मिशन के दूसरा है यूनिफिल का आपका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। और दूसरा आपका है मिशन के संचालन क्षेत्र के भीतर पर्यावरण उपलब्धियों को पहचानने के लिए यूनिफिल द्वारा 4 दिसंबर 2019 को वार्षिक पुरस्कार लॉन्च किया गया था। 2019 4 दिसंबर को यूनिफिल द्वारा पर्यावरण पुरस्कार लॉन्च किया गया था। अबाउट यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान के बारे में देख लेते हैं। यूनिफिल के बारे में, मिशन लीडरशिप मेजर जनरल स्टीफानो डेल कर्नल जी हैं। और अबाउट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो है, यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल फॉर पीस ऑपरेशन जेन पीरेले रुक्स है। और क्वेश्चन 10 आपका है, 10वां क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस स्टेशन को भारत में सर्वश्रेष्ठ में से एक घोषित किया गया? कौन सा ऐसा राज्य की पुलिस है जिसे पुलिस स्टेशन है जिसे भारत में सर्वश्रेष्ठ में से एक घोषित किया गया है?
9 जुलाई 2020 को अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी सम्मेलन में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार 2019 के लिए पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग की घोषणा की। 2019 में 9 जुलाई 2020 को किया गया पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग, तो उसमें हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के बदायूं पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। और इसका पहला पॉइंट आपका, गृह मंत्रालय द्वारा 2018 में पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग प्रणाली शुरू की गई थी 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा। और दूसरा आपका, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन संपत्ति अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध और कमजोर वर्गों को संबोधित करने पर आधारित है। इसके आधार पर रैंकिंग होती है पुलिस स्टेशनों की। अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जे किशन रेड्डी एंड नित्यानंद राय हैं। अबाउट हिमाचल प्रदेश, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, गवर्नर बेंदुरु दत्तात्रेय हैं। कैपिटल इसका शिमला समर एंड धर्मशाला विंटर है। और क्वेश्चन 11 आपका, इसरो ने किस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में इसरो ने किस सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो यह पहला पॉइंट आप देख रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इंडियन, इसका आपका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO अगस्त 2020 तक एक प्राथमिक पेलोड के रूप में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अमेजोनिया वन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। अमेजोनिया वन पृथ्वी अवलोकन के लिए ब्राजील का पहला उपग्रह है जिसे डिजाइन किया गया है, जिसे इकट्ठा और परीक्षण किया गया है ब्राजील में, का टेस्ट हुआ है। अमेजोनिया वन उपग्रह छवियों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से अमेजन के क्षेत्र में वनों की कटाई को देखने और निगरानी करने में मदद करेगा। अमेजोन के जंगलों में जो कटाई हो रही है वनों की, उनके देखने के लिए सैटेलाइट को भेजा जा रहा है। अबाउट ISRO के बारे में देख लेते हैं। चेयरमैन डॉक्टर के सिवन, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट INP अंतरिम निदेशक डॉक्टर पॉलीकार्पो दमामी, और स्थान इसका साओ जोस डॉस कैंपस ब्राजील में है, लोकेशन इसका। क्वेश्चन 12 है कि सी शॉपिंग कंपनी ने स्थानीय कला शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी ऐसी शॉपिंग कंपनी है जिसने स्थानीय कला शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये 10 जुलाई 2020 को फ्लिपकार्ट और कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME और खान विभाग ने ई माध्यम से बाजार पहुंच प्रदान के लिए कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था 10 जुलाई को फ्लिपकार्ट और कर्नाटक सरकार ने, और प्लेटफॉर्म और स्थान बढ़ावा देने के लिए इसका मोटो है, प्लेटफॉर्म और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। अबाउट फ्लिपकार्ट, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति है, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO इसके हैं श्रीराम वेंकटारमण। हेड ऑफिस इसका बेंगलुरु कर्नाटका में। अबाउट कर्नाटका देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं, और गवर्नर वाजुभाई रुदाभाई वाला हैं। कैपिटल इसका बेंगलुरु में है। 13 नंबर है आपका, पुनर्वसन झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण स्ट्रेस फंड करण परियोजनाओं के लिए
की स्थापना के लिए किसके सहयोग से इसे किया गया है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जो किया गया है, पूर्ण झुक्की जो है उन्हें उनका फिर से रिहैबिलिटेशन, उनका फिर से पुनर्वास, फिर से उन्हें अच्छा से बनाया जाएगा। उसके लिए कौन सहयोग कर रहा है? तो महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र अवध ने घोषणा की है कि राज्य सरकार और भारतीय स्टेट बैंक, SBI, मुंबई महानगर क्षेत्र, MMR और अन्य में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, यह सारे परियोजनाओं, लगभग 370 परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक तनाव कोष स्थापित करेंगे राज्य के शहरी क्षेत्र में। दूसरा, इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता के रूप में इस निधि में 700 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट लगाएगी। SRA झुग्गी पुनर्वास योजनाओं को लागू करने के लिए आवास मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। अबाउट महाराष्ट्र देख लेते हैं। कैपिटल इसका मुंबई, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। किस राज्य सरकार ने अपनी स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने अपनी स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? यहाँ लिखा हुआ 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में नई स्टार्टअप नीति, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को स्वास्थ्य में विकासशील इकाइयों को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश में नौकरी के अवसर और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई थी। उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई को बिजली, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए। दूसरा, इस पॉलिसी की वैधता अधिसूचना तारीखों से 5 साल तक इसकी वैधता है, वैलिड होगा ये। और अबाउट उत्तर प्रदेश यूपी के बारे में देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन मफत भाई पटेल हैं और कैपिटल इसका लखनऊ में है। 15वां क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लगभग 48.39 करोड़ रुपए की 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया और रैपिड एंटीजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लगभग 48.39 करोड़ रुपए की 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और रैपिड एंटीजन परीक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया है? मणिपुर के मुख्यमंत्री सीएम बीरेन सिंह ने 48.39 करोड़ के रुपए की लागत से 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं, जिनकी कुल क्षमता 26.15 लाख लीटर प्रतिदिन से अधिक है। प्रतिदिन 26.15 लाख लीटर पानी इससे आएगा, घर में जाएगा। परियोजनाओं के अलावा वजन और माप विभाग के कार्यालय भवन और जीरी बाम में रैपिड एंटीजन डिटेक्शन परीक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया है। और तीसरा आपका है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने राज्य के हर घर को पानी, पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 3000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने राज्य के सभी घरों में पीने के पानी के लिए 3000 करोड़ का इसमें निवेश किया है, दिया है। और अबाउट मणिपुर देख लेते हैं। कैपिटल इसका इम्फाल है, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बने रहो चैनल के साथ। तब तक के लिए सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।